नवाज शरीफ साहब का कहना है कि वो डिक्टेशन बिल्कुल भी नहीं लेते। वो डिक्टेशन क्यों नहीं लेते, आइए देखते हैं। मेरे साथी भाइयों, मैं आज आपके सामने कसम खाता हूँ, गले तक मैंने पेट भर के खाना खाया है, फिर भी मैं कसम खा के वादा करता हूँ कि मैं पर्ची कहां गई है? हाँ, कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। नहीं नहीं, ये डिक्टेशन तो नहीं है, ये तो पर्ची पता नहीं किसने मेरी जेब में रख दी थी। इसका मतलब यह साहब, आप पर्चियों से पढ़कर तकरीर भी नहीं करेंगे? मैं हर तकरीर जुबानी याद करूंगा। मेरा मतलब है, आज से सिवाय डॉक्टर के किसी की पर्ची पे अमल नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? आप कह रहे थे कि मैं किसी की डिक्टेशन पर अमल नहीं करूंगा। यानी अब आप अपनी साजिशें, सॉरी मेरा मतलब है पॉलिसियां खुद बनाएंगे? बिल्कुल, मैं हर साजिश पर पहले खुद, मेरा मतलब है हर पॉलिसी पे खुद गौर करूंगा। इसका मतलब आप मरियम नवाज की हदायत पर भी अमल नहीं करेंगे? मरियम अब अपना घर संभालेगी, आवाम को मैं खुद संभाल लूंगा। क्या ये नहीं बोलना था? अच्छा अच्छा अच्छा, पापा आप ये कहें। बेटा ये कहा तो ये बहुत हंसेंगे। पापा मेरे साथ साथ बोले, जो कहा उस पर अमल करें। मरियम नवाज मुझसे भी ज्यादा बड़ी सियासतदान है। मरियम जिस दिन वजीर आजम बनेगी, अवाम रुल जाएगी। मेरा मतलब है किस्मत खुल जाएगी। यानी मरियम की और क्या, अवाम की। ओके, अब मैं चलता हूँ। Ha 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 ha